सो फ्रेंड देखिए मम्मी यहाँ पर जो है मूली का और मिर्च का अचार डाल रही है मिक्स करके। ऐसा ना, मैंने इसने मुझे बाद में बताया कि मम्मी मैं वीडियो बनाऊंगी। हाँ तो इसमें मैंने राई और हल्दी और नमक इसमें डाल दिया है। हम इसमें और गरम मसाला, यह धनिया, हम इसमें धनिया मिक्स कर दूंगी। ये हम पिसा हुआ ही लेके आ गए थे, वरना हम घर पर पीस के डालते हैं। पिसा हुआ 100 ग्राम धनिया है, 100 और धनिया, 100 और धनिया। और मम्मी ने पका लिया था पहले तेल के अंदर राई, नमक और हल्दी। अगर आप डालना चाहते हो तो हींग भी डाल सकते हैं। डालूंगी, हींग में रख के आई हूं। कितने ज्यादा डब्बे लेकर, डब्बी का भूल गई मैं वहीं पर रसोई में, वहां पे इसे लेके और उसमें सिरका डालती हूं मैं। अच्छा, आपने सिरका किस लिए डालना? सिरके से ना खराब नहीं होती है। बेटे ये रहा, मैं ले आई, हमारी आई ये ले रहा। आपने सोचा भी आ गई है ना मोटरसाइकिल की आवाज सुन के, मैंने सोचा भी आ गई, उनकी भी ऐसी है बुलेट की आवाज। मैं सच बताऊ ना, कभी भी मेरी आत्मा ये नहीं कहती, ऐसा लगता है कि शायद बुलेट मनीष की है कि मेरी आ गई। मम्मी कुछ और कहना चाह रही थी तो मम्मी ने बोल दिया कुछ और, है ना, है ना, मुझे पता था मम्मी की फीलिंग मैं जानती हूँ। ये रही मूली और मिर्च, किट्टू हाथ में मिर्च लग जाएगी। एक चम्मच नमक और डाल दो, फिर ना मुझे पहले डाली थी ना मैंने अचार, उसमें मुझे नमक दोबारा से डालना पड़ा था। अरे मुरई में तो मेरे नमक ना ज्यादा अच्छा लगता है। अब नमक इसमें डाल मिक्स करने के लिए, इसमें तेल कम है क्योंकि ऑयल हम कम खाते हैं ना, इस वजह से मैं कम डालती हूँ। अगर कम रहेगा तो मैं दोबारा से डाल दूंगी पका कर। हाथों में जादू ऐसा ही अच्छा लगेगा, ये बात तो है। तेल कम है भाई, इसमें तेल पकेगा। पता ही मिक्स होके क्यों डाल रहा, क्योंकि मूली का तो मुझे पसंद है और मिर्च का उन्हें पसंद है, और हम दोनों को दोनों ही पसंद है मिर्च का भी और मूली का भी। तो हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और इसके अंदर ऑयल और डालोगी आप? हाँ, इसमें सरसों का जो ऑयल होता है ना, सरसों का तेल होता है, वही डलता है। बेटे हाथ फिर आंखों से लगा लोगे, मानते नहीं पीछे लो। किट्टू को डांट पड़ गई, ऐसे ना आंखें पे आंखों पे लग जाएगी ना फिर मिर्चों के हाथ। अभी ऐसे तो सुनता नहीं, चाहे मैं कितना भी आराम से कहूंगी उसे, प्यार से बातें नहीं सुनता, ये बात तो है, गुस्से की बातें जल्दी सुन लेता है। ये नहीं मानेगा बिल्कुल भी, बस थोड़ा गरम करके लाऊंगी। अब इसके बाद आप डब्बे में डाल दोगी और डालोगी नमक? नहीं नमक नहीं, थोड़ा सा तो उठा कर रखते आ रही हूँ, थोड़ा तेल लाऊंगी गरम करके। और बस उसके बाद ना मम्मी जो ये है उसके अंदर डाल देगी, और जितना भी अचार उसके अंदर डाल देगी, उसके अंदर हल्का सा थोड़ा तेल और डाल देगी ताकि अच्छे से रच जाए, इसलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब? तो सुबह हो गई है और हमारा जो काम है सब फिनिश हो गया। अब जा रही हूँ ऊपर छत पे, और ऊपर ही बैठेंगे क्योंकि थोड़ी ना धूप निकल रही है इस वजह से। नीचे ना आज ना कुछ ज़्यादा सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा, सुबह से ना बहुत सर्दी लग रही है, रात से ही सर्दी हो रही है हवा की वजह से, हवा चल रही है ना। ये देखिए मम्मी यहाँ बैठ गई, सर्दी हो रही है फिर भी ऊपर बिठा रखी है। अरे धूप निकल रही थी मोटी, धूप बिल्कुल नहीं है, सर्दी लग रही है आज तो, घटा हो रही ना मेरी तो फ्रेंड्स, आज ना घटा हो रही है, वो घटा के कारण ना थोड़ी सर्दी लग रही है बहुत ज्यादा। बोल तो नहीं, आप चश्मे भी अच्छी लग रही है। हेलो, राम राम जी बड़ों को, राम राम छोटों को, प्यार और आशीर्वाद बरसते रहे, तो भी बैठ जा। अच्छा तो मम्मी मुझे बैठा रही है यहाँ पे, बैठ जा। काम निपटाने के बाद ना ऊपर छत पे बैठे आज, धूप है ना, थोड़ा सा धूप में बैठना जरूरी है। कौन सी विटामिन मिलती है? डी।
विटामिन डी भी लेनी जरूरी है, नहीं जादू बन जाए विटामिन डी के लिए सूरज भी तो होना चाहिए, सूरज का ही नहीं। ये मेरी सर्दी लग गई, मुझे कुछ दे दो हवा से। ऊपर आना था ना, टीवी भी बंद कर दिया मेरा। थोड़ी सी देर धूप में बैठे, धूप में बैठेंगे थोड़ी देर और उसके बाद जाएंगे दोपहर का। सब्जी तो रखी सुबह बनाई थी, जो वो रखी आलू बैंगन बनाए थे आज मैंने, सफेद वाले बैंगन अच्छे बन रहे थे। मम्मी ने बहुत टेस्टी बैंगन बना रखे थे, सफेद बैंगन अच्छे लगते हैं, गौरव भी खा लेता है सफेद बैंगन। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम बैठते हैं थोड़ी धूप में, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस उपाध्याय व्लॉग में। तो शुरू करते हैं आज के व्लॉग का। तो मैं तो फिलहाल सो के उठाऊँगा अभी, ब्रश तो मैंने वैसे कर लिया है और फिलहाल जो है ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, नाप बोलते हैं ना वो रही है, तो सोचता हूँ मम्मी से करवाने के लिए। मम्मी को शायद थोड़ी बहुत आती है तो मम्मी कहते मैं कर दूँगी, कई दिन से मैं परेशान होता ना इस वजह से, तो इसलिए मम्मी के पास जाऊँगा कराऊँगा। बना दो कुछ, बना दो। क्या कर रहा? खिचड़ी खाई, पापा खाया। क्या कर रहा बाबू? विधान ने क्या खाया? विधान चाचू को बताओ क्या खाया? दही। दही खाई ने? भाई पापा ने खाया, पापा यही चलता रहा था सुबह शाम है ना, इसके लिए इसमें लौटा रहा है गड्ढे में। तो गाइस मैं हूँ रेडी, और सबसे पहले तो आप सब लोगों को मैं बहुत सारा थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो आप लोगों ने कमेंट किए थे कि भैया आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगा है, और क्या नाम शादी के ब्लॉग जितने भी कमेंट किए ना, आप लोगों सबको बहुत सारा थैंक यू हम दोनों की ओर से। तो क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही हम ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्ट आता है हमारा ब्लॉग देखने में, और ऐसे ही हमारा ब्लॉग देखते रहिएगा, आपको इंटरेस्ट आता रहेगा। और अभी तो देखना शादी की तैयारी चलेगी, शादी की तैयारी का ब्लॉग देखना, कपड़े की और जो भी खरीदारी चलेगी उसकी, तो जो वो लोग आते रहेंगे इंटरेस्टिंग आते रहेंगे। तो प्लीज़ पहले सबसे पहले तो बात ये है कि जितने भी आप लोग देखते ना हमारे वीडियो को, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जिससे हमारे व्लॉग आते रहे, आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे जल्दी जल्दी, और आप हमारा व्लॉग देखते रहे। ओके, तो फिलहाल तो यही है। तो मैं तो अपना व्लॉग नहीं शूट कर पाता यहाँ से, क्योंकि मैं अकेला हूँ और अकेला शूट नहीं कर पाता। फिर यही है जो थोड़ा बहुत हेल्प कराती थी मेरी, लेकिन घूम रहे नीचे मम्मी और विधान। तो जो है क्लिनिक पर धूप मिलती नहीं है, क्योंकि पता है क्लिनिक सारा बंद है ऊपर से। आया बाबू, आया अपना आप ही आया बाबू। ओए ओए ओ, चलो चलो बाबू अपना आप ही आया। किसके साथ आया बाबू? क्या खा रहे? चिज्जी खा रहा बाबू। ओ ये कौन सो रहा, ये कौन सो रहा यहाँ पे? चाची। चाची सो रही, आवाज मारो चाची को, चाची। तेज की तेज आवाज मारो चाची को। हाँ पहले चाची को आवाज मारो तेज। ओए 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 ओए, चाची को उठाओगा? चलो उठा दो चाची को, चाची को उठा दो। उठाओ चाची को, कौन है? चाचा। चाची कहाँ गई? चाची कहाँ गई विदु की? हाँ चाची गई छोड़ के विदु को। चाची को देखता, चाची तो बाबू सामने गई, और मैं चाची से बात करवाऊंगा बाबू की। चाची तो सामने गई, चाचू को यहाँ से आवाज मारो, यहाँ से फोन में आवाज मारो चाची को, आवाज मारो फोन में। चाची आ जाओ, क्या दे चाची आ जाओ, चाची को मिस कर रहा। तो चाची जी इसकी आ जाइए जल्दी से, ये मिस कर रहा है बहुत। कहाँ कहाँ फिर रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं है देखो। चाचा सो रहे बस, चाची गई विदु की, चाची छोड़ कर। चलो 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 मैं बैग ले लूँ, मैं बैग ले लूँ अपना, मैं चलता हूँ क्लिनिक के लिए। नाश्ता रेडी है मेरा, नाश्ता करके निकलूंगा मैं, और बाकी सामान मैंने ले लिया है। और मम हाँ नीचे पियेंगे दोनों, चलो नीचे पियेंगे मम, मेरा मम पीना है दोनों। ओह हो हाल है अम्मी।
आराम से कैसा था विधान? तो जो नाप लेते हैं ट्रेस तो भाई तो बनाता है ना। हाँ जी हाँ, ये बाबू काट लेंगे ना, बाबू बताता है ट्रे को कैसे नाप लेता है बाबू मुंह में ऐसे लगा के काट लेंगे भी तो क्या बाबू, मोटे बाबू ही है। हाँ मोटे बाबू काट लेंगे बाबू के, बस 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 पिटाई हो जाएगी वरना। अब अच्छा ये तो बताओ, अच्छा माम 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 कर दो चाची को, चाची को माम माम नहीं करता ये, बदी कर रहा भाई ये तो जब से लगा पड़ा बदी में, और चाची को मिस कर रहा आपने कि चाची चाची। तो ठीक है कि चाची को भी लेकर आएंगे हम जल्दी चाची। हाँ चाची को भी लाएंगे, चाची को कौन लेने जाओगा, बाबू भी जाओगे लेने, बाबू भी लेने चलेगा भाई चाची को है? मैं जा रहा अकेला चाची को लेने, विधु को ले जाने का, कौन जाओगा कौन लाओगे लेने के लिए? दादू। ओ